मेरी पत्नी अड़ जाती है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मैं समझा समझा के मर गया, वो समझती नहीं हूँ। कह रही नहीं, आपका जीवन बचाना है। मैं वैसे ही बच गया भाई। ऐसा उनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है, वो तो बिहार से, उनके तो होता नहीं सब। ये आए तो हमारे घर की बूढ़ी महिलाओं ने पट्टी पढ़ा दी कि ये नहीं रखने से पति मर जाता है। अब मुझे लगता है सामाजिक दबाव ज्यादा रहता होगा, और उन्होंने कहा कि मैं रखूंगी व्रत। मैंने देखकर मैं झेल नहीं पाऊंगा, मतलब मेरे लिए कोई व्रत रखे मैं झेल नहीं सकता इस चीज को, तो मेरा निवेदन है कि मत रखो, नहीं तो मुझे भी रखना पड़ेगा। मैं हिसाब बराबर करूंगा, सीधी सी बात है, मैं एहसान लेके जिंदा नहीं रह सकता। ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये बात नहीं हुई, चुपचाप मान जाओ, और नहीं तो मुझे रखना पड़ेगा। और मुझे कोई धार्मिक भावना नहीं, तुम्हारी उम्र उससे नहीं बढ़ने वाली, मुझे पता है। उम्र इससे उसी की बढ़ेगी जो फास्ट करेगा, उसका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, उसका उसकी उम्र बढ़ेगी। जो भकोस के खा रहे उसकी उम्र कैसे बढ़ेगी? तो नहीं मानी तो मैं भी अड़ गया। मैंने ठीक है, हम भी फास्ट रखेंगे।